सेफ्टी का तो, अगर आप सोलो फीमेल ट्रैवलर हो तो सेफ्टी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ये देखो सामने, यहाँ पे सब कुछ लीगल है। ये है पूरा लुक ट्रेन स्टेशन का। आ गई हमारी ट्रेन, तो कुछ ऐसी ट्रेन दिखती है अंदर से। दो दिन पहले मैंने टिकट ली थी, फिर भी मुझे सीटर ही मिली, स्लीपर नहीं मिले टिकट। तो आप यहाँ पे आते हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एसी ऑटो है ना, वो आपको हर जगह पे मिल जाएगी। पटाया में 2 या 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होना है तो वो सिर्फ 20 बाहर लेते हैं, तो आप जा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ग्रेप बहुत कम चलती है इसलिए। तो अभी मैं जो ऑटो में बैठी थी ना, वो फिर दूसरी जगह पे टर्न कर लिया और मुझे जाना था दूसरी ओर। तो 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस था मेरा, तो उन्होंने मेरे से 1 भी रुपया नहीं लिया। डायरेक्ट ही मुझे बोला कि यहाँ पे उतर जाओ, और फिर वो चले गए, दैट्स इट। यहाँ पे ना बहुत ही अच्छे लोग हैं, कम बोलते, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं यहाँ पर। सेफ्टी का तो, अगर आप सोलो फीमेल ट्रैवलर हो तो सेफ्टी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मुझे अभी तक 1 भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, हर बार मुझे अच्छा ही एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पर। ये सभी ड्राइड सी फूड है, ये देखो श्रिम और ये फिश। और लॉटरी टिकट तो हर जगह पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको बाइक रेंट पे लेनी है ना, तो वो 1 दिन के लिए नहीं देते, मिनिमम 2 या 3 दिन के लिए लेना होगा। और वो चार्ज करेंगे आपसे 600 बाहत यानी 1300 to 1400 rupees फॉर 3 days। अगर 1 दिन के लिए चाहिए तो वो नहीं देंगे, और मिनिमम 3 डेज के लिए वो देता है। पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो फिर 200 बाहत ही होगा, जो फेयर इनफ प्राइस है। बट मिनिमम 3 दिन के लिए ही मिलेगा, 2 डेज के लिए भी मिल जाएगा कहीं पर, वो 500 लेंगे आपसे। ये देखो सामने है मेडिकल एंड 100% लीगल वाना स्टेशन। और यहाँ पे सब कुछ लीगल है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि यहाँ आके ट्राई करो, वो तो मैं सिर्फ दिखा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है, आप मेरी स्किन देख सकते हो कितनी ऑयली ऑयली अभी हो गई है। नॉर्थ में ही है, साउथ में उतना नहीं है। इन पटाया स्पेशली, पटाया में ग्रेप उतनी ज़्यादा वर्क नहीं करती है। बोल्ट ऐप है, वो डाउनलोड करना। ये है मेरे बोल्ट ड्राइवर। तो बोल्ट में भी आपको 2 व्हीलर मिल जाएगी और कैब मिल जाएगी स्पेशली फॉर पटाया। भी जो है टी टूर का स्टॉप पटाया से बैंकॉक का, तो वहाँ पे मैं आ गई हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको एड्रेस। मोची विच वन विल बी नियर टू बस ट्रेन स्टेशन? मोची विल बी नियर। ये वाली बस है, उसमें अभी जाना है। बैंकॉक से पटाया आई थी, तब भी मैं टी टूर से ही आई थी और उन्होंने तब 150 लिए थे, और अभी पटाया से बैंकॉक के लिए वो ले रहे हैं 160। सिर्फ प्लेन ही बहुत ज़्यादा है। और आप गूगल में सर्च करोगे ना टी टूर बैंकॉक, तो आपको लोकेशन एक आएगा जिसमें लिखा होगा परमानेंट क्लोज, बट फिर भी उसी लोकेशन पे जाना है और वहाँ पे वो ओपन है। नियर टू बाली पियर है वो भी। रास्ते में बाउल ले लिया था, 40 बाहर का ही आया। हर जगह पे आपको स्ट्रीट फूड जो होता है ना, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। अभी मैं बैंकॉक जा रही हूँ, फिर वहाँ पे घूमना पड़ेगा। अभी 3 घंटे की जो बस चली वो 3 घंटे की है, इससे थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट पहुँच चुकी हूँ। ऐसे आई तब चातुचक पार्क है, वहाँ पे बस ने ड्रॉप कर दिया था, वहाँ से मेट्रो ले ली मैंने। और यहाँ पर फिर जो ट्रेन स्टेशन है मेन, उसके नज़दीक में ये लामफूंग करके मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे भी पहुँच चुकी हूँ। इसका एग्ज़िट 2 नंबर है, एग्ज़िट नंबर 2। वहाँ से अभी कर रही हूँ एग्ज़िट और फिर ट्रेन स्टेशन में एंटर हो जाऊँगी। अभी मेरे पास 45 मिनट स्टिल बचे हुए हैं। 3 बजे निकली थी मैं, 7 बजे यहाँ पे पहुँची मैं, क्योंकि बैंकॉक में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। सिर्फ 2.5 आवर की जर्नी है, बट वो हो गई 4 आवर की जर्नी। फिर वहाँ से फिर मैं चातुचक पार्क है, वहाँ पे एक मेट्रो मॉल है, तो वहाँ पे मैंने खाना खा लिया और उसके बाद अभी मैं आई यहाँ पर। फर्स्ट लुक ऑफ ट्रेन स्टेशन, यहाँ से अंदर जाना है अभी। आपको ATM हर जगह पे मिल जाएगा, तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पीछे भी ATM है। और ये वाला काउंटर है, वहाँ से टिकट लेनी है। मैंने काउंटर नंबर 7 है ना, वहाँ से टिकट ली थी। और ये है ट्रेन स्टेशन पूरा, यहाँ पे बैठ के आप वेट कर सकते हो। और वहाँ यहाँ पर एग्जिट लिखा है ना, वहाँ से एंट्री है ट्रेन के लिए। और यहाँ पर ट्रेन इन्फॉर्मेशन का है, और यहाँ पर भी लोग हमारे तरह बैठे नीचे। और इस तरफ है
रेलवे पुलिस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनका कांटेक्ट कर सकते हो। एंड वेटिंग एरिया के ऊपर है कैफे अमेजोन, यहाँ से ऊपर जाना है। ये है पूरा लुक ट्रेन स्टेशन का, यहाँ से एंट्री है ट्रेन के लिए। यहाँ पे ट्रेन अराइवल्स की इंफॉर्मेशन होती है लिखी हुई, कौन सी ट्रेन कब आने वाली है। और यहाँ पे डिपार्चर की इंफॉर्मेशन है, मेरी है 10 PM स्पेशल एक्सप्रेस 39 सूरत थानी प्लेटफॉर्म नंबर 5। मैंने कपड़े चेंज कर लिए, एक्चुअली यहाँ पर भी बहुत ठंड लग रही है, यहाँ पे लोग AC बहुत ज़्यादा ही चालू रखते हैं। मे बी ट्रेन में भी AC का कंट्रोल तो मेरे हाथ में नहीं होगा, तो वहाँ पे ठंड लगे, सो इससे बेटर है कि चेंज कर लो, सो फिर प्रॉब्लम ना हो कुछ। अभी मैंने चेंज कर लिया है और बस भी 5-10 मिनट्स में ट्रेन आ जाएगी। यहाँ पे कोई शॉप नहीं है कि जहाँ से आप कुछ खरीद सको, बट वहाँ पे वेंडिंग मशीन बहुत ही ज्यादा रखे हैं, 3 से 4 वेंडिंग मशीन है। वो लेडी है वो रिस्टॉक कर रही है वापस। यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा है ना, वो हर जगह पे वो लगा के रखे हैं, कौन आया कौन गया वो सब स्कैन हो जाता है। आ गई हमारी ट्रेन, ये लोग ब्लैंकेट्स एंड फूड वो सब अंदर रख रहे हैं। और मेरा ये वाला है कार नंबर 4। पूरी ट्रेन में सिर्फ 3 ही कोच है, 4 नंबर 5 नंबर एंड 6 नंबर, और सभी के सभी सिर्फ सीटर ही है। तो कुछ ऐसी ट्रेन दिखती है अंदर से, इस तरफ 2 सीट इस तरफ 2 सीट, और मेरी जो सीट है वो मुझे विंडो सीट मिली है। मस्त आराम सभी सोने वाले, ये पूरी एडजस्टेबल है, लाइक आपको ऊपर नीचे करना होगा आप कर सकते हो। यहाँ पे सूट के लिए भी ऐसा है, कंफर्टेबल आप पैर रख सको, इसलिए काफी स्पेशियस है। सीट भी देखो बहुत ही बड़ी सीट है और लेग स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे लगेज के लिए भी रखने के लिए दिया है क्या, देखो वो लोग वहाँ पर लगेज रख रहे हैं, आप अपना बैग भी रख सकते हो ऊपर। मैंने भी अभी ऊपर रख दिया मेरा जो बड़ा बैग है ना वो, और छोटा बैग ये अभी मेरे पास मैंने रखा है नीचे। ये ट्रेन का मैंने पे किया है 600, बाहर मैंने पे किया ये ट्रेन का, अप्रोक्स 1200-1400 के आसपास कुछ होता है। 2 दिन पहले मैंने टिकट ली थी, फिर भी मुझे सीटर ही मिली, स्लीपर नहीं मिले टिकट। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन आके मैंने ली थी टिकट। अगर आपको स्लीपर चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस करना होगा, लाइक 1 वीक और मोर देन 1 वीक आई थिंक। सो ये ब्लैंकेट देके गए, सबको ऐसा ब्लैंकेट देते हैं और मॉर्निंग में फिर वापस ले लेते हैं। तो ये साहब टिकट चेक करने के लिए आए हैं सबकी, मस्त से ब्लैंकेट रख दिया पैर में और फुल स्लीव्स पहना है, तो ठंड नहीं लग रही है, मस्त कंफर्टेबल हूँ। अभी मैं सो जाऊँगी थोड़ी देर में, डायरेक्ट से कोई बात करेंगे फिर। अभी ट्रेन में कुछ नाश्ता देते हैं, तो देखते हैं अभी क्या देते हैं वो लोग, शायद अभी तो नहीं, अर्ली मॉर्निंग देते शायद। ट्रेन खाली है पूरी, मेरा पूरा कोच खाली है, बट आई थिंक आगे से पूरा भर जाएगा, पास में कौन आता है वो देखना है अभी। ये स्टेशन है ना बंगोई स्टेशन, वहाँ से भी ट्रेन फुल हो गई है, पूरी ट्रेन फुल अब। सिर्फ 1 या 2 स्टेशन अंदर क्रॉस करे हुए हैं और तब उसके बाद ये स्टेशन आया। तब ये ऑरेंज जूस लेके गए, ये कुछ लेके गए, पता नहीं क्या है। ये देखे गए फ्राइड मैकरल्स विथ सोयाबीन राइस, सोया फ्राई मैकरल, सोया आई थिंक दिस। ये है व्यू बाहर का, अभी और 2 घंटे बैठना है उसके बाद पहुंचोगे। ट्रेन में भी यहाँ बस कैमरा है, वो सेफ्टी की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर अगर आप ट्रेन में जाते हो तो। और अभी स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, और आगे स्टेशन से बाहर निकलोगे वहाँ पर ही 12 to go ऐसा करके कोई पर्सन होगा, टी शर्ट पहना होगा और उसके हाथ में फन टिप की होगी, रिसिप्ट मतलब प्राइज वगैरह जो होती है ना वो होगा, और वो आपको उनके ऑफिस पे लेके जाएगा।
अभी ट्रेन से बाहर निकली ना मैं. ओके थैंक यू. सो ये अभी मुझे लेके जा रही थी और अभी वहाँ पर दूसरी एक पर्सन है तो उसने बोला कि उसके साथ चले जाओ. तो आप यहाँ पे आते हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सब कोई मिल जाएगा गाइड करने वाला. ये देखो मेरे लिए खड़ी है. हेलो क्राबी, ये है फनदीप की ऑफिस. वन क्राबी, ये इनके ऑफिस है, वेटिंग एरिया है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो. यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है तो वहाँ पर मैंने सैंडविच ऑर्डर कर दी है 50 baht की है और ब्रेकफास्ट हो जाए अच्छे से तो पूरा दिन अच्छा जाएगा. और फिर उन्होंने ऐसा स्टिकर दे दिया, मतलब क्राबी जा रहे हो जैसे क्राबी का स्टिकर, अगर आप कहीं और जा रहे हो तो आपको वो स्टिकर दे देंगे. तो यह अभी 12 बजे की बस है तो अभी 2 घंटे वेट करना है, 10 बजे अभी. अभी जो रेलवे स्टेशन के पास ऑफिस थी वहाँ से अभी जो सिटी सेंटर में ऑफिस है वहाँ पर हम लोग आ गए. ये एक मिनी बस में सभी लोगों को यहाँ पे लाते हैं, फिर यहाँ से सबको जो दूसरी दूसरी जगह पे जाना होता है उसको वहाँ पे भेज देते हैं, लाइक क्राबी, फुकेत, कोसामुआई, खाओसोक, मतलब यहाँ से सेपरेट होती है बस. बट फिर वहाँ से यहाँ तक कि एक ही बस में सबको आना होता है. सो या अभी ये सेंटर पर पहुँच चुके और यहाँ से अभी 12 बजे की बस होगी. यस, और यहाँ नज़दीक में ही 7-Eleven ढूंढ के वहाँ से पानी ले लूँगी और कुछ खाने के लिए ले लूँगी तो आसानी रहेगी रास्ते में, क्योंकि अभी और 2 या 3 घंटे का रास्ता होगा यहाँ से भी वापस. लॉन्ग जर्नी, कल आफ्टरनून में 3 बजे से मैंने स्टार्ट किया था पताया से, आज आई थिंक 3 बजे मैं पहुँचूंगी. जगह पे जा सकते हो आप, सूरत थानी एयरपोर्ट, सूरत थानी ट्रेन स्टेशन, कोसामुआई, कोपांगान, ये सब लिखा है ना वहाँ पे, आप जा सकते हो यहाँ से. अगर आपको भी कोई लोकेशन चाहिए ना कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए कौन सी जगह से जाना होगा ऐसा कुछ, तो आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टा में या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको लोकेशन दे दूंगी. और अगर आपने सूरत थाने से डायरेक्ट टिकट की बुक की है बाय बोट से तो पहले यहाँ तक आपको बाय बस में आना होगा और यहाँ से फिर ये वाला पियर है ना जो वहाँ से बाय बोट जाना होगा, क्राबी का जो पियर है ना वहाँ से, मतलब यहाँ पर ड्रॉप करेंगे फिर वहाँ से वो लेके जाएंगे आपको. मुझे अभी दूसरी जगह पर ड्रॉप करेंगे क्योंकि मेरा तो यहाँ आओनांग में ही है स्टे, तो यहाँ से मुझे आओनांग जाना है. क्राबी टाउन है ना वहाँ पर बैठी हूँ मैं, और जहाँ पर ड्रॉप किया ना वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, पर मैंने बोला कि मुझे पता है यहाँ का जो प्राइस है ना एक्चुअल वो, तो इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर वेट करो, यहाँ 5 to 10 minutes में आ जाएगी शेयरिंग वाली और उसमें आप जा सकते हो, तो फिर वेट कर रही हूँ. तो अभी उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, ये वाला में अभी जाना है मुझे. ही इज़ सो मच हेल्पफुल, मेरा बैग लेके वो जा रहा है. अभी ये शेयरिंग ऑटो है उसमें जाना है, लिखा ही होता है उसमें आओ नांग बीच, देखो क्राबी आओ ना वो सब.